हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आंटी जी, कितनी अच्छी हैं आप। एक तो मैंने आपको रस्ता बताया, ऊपर से आप मुझे ही आंटी, और तुम ये पैंट शर्ट पहन के ये स्कार्फ बांध के बच्चों की तरह बच्ची बनी हो यहाँ पे है। मैं बच्ची हूँ, ऊपर देखिए तुम देख। हाँ? मुझे बातें कर रही हो, तुमसे तो छोटी होंगी मैं। बात सुने, तुम आंटी और मुझे बातें कर रही हो। बात सुने, नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं किस एंगल से आंटी लग रही हूं? मेरी बात सुने, आप मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकती, छोड़े मुझे, मैं आपको आंटी लग रही हूं, मुझे ये बताओ ना। बताए तो मैं और किए जा रही हूं, ऊपर से बदतमीजी कर रही है तुम्हें। शर्म नहीं आती बात आंटी बोलते हुए? बात सुने आंटी, बोला मैंने आपको कि अंदर ही जमीन के अंदर गाड़ दिया है। ग्राउंड का रास्ता आपने बताया। अंकल किसको कहा है? अंकल किसका हूं? ये क्या जंबो बोतल जैसा मुंह लेकर आओगे तो मैं आपको भाई कहूंगी? अंकल हो तो अंकल ही कहूंगी ना। मेरा एक आप पकड़ के मुझे ऑपरेशन थिएटर में लाके मेरा चीरा फाड़ा कर दे, और तो करूंगी मैं तुम्हारे साथ ना। एक तो तुम्हें समझ ही नहीं आती, छोड़ो मुझे, मैं लेट हो, छोड़ो है क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निमराली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसे कि टाइटल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों की फरमाइश पर आंटी कॉलिंग प्रैंक पार्ट टू। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि निमरा के हाथ में क्या है, तो निमरा के हाथ में निमरा की फिटनेस करार, जो कि चिल्तन प्योर की ग्रीन टी, जो कि मैं यूज करती हूँ, प्योर ऑर्गेनिक है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप लोगों को मिल सकता है 10% डिस्काउंट, जिसका कोड है क्रेजी 10। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर जी मोना, मुझे ना रास्ता नहीं मिल रहा, अगर मैं टाइम पे ना पहुंची अपने घर तो मेरी मामा मुझे बहुत मारेंगी। आप ना मुझे एग्जिट का रास्ता बता दें ताकि मैं घर चली जाऊं। आप यहां से लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाके स्ट्रेट जाओगे तो आपको गेट नंबर 4 मिल जाएगा, वहां से कोई भी होटल लेके जाओ। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर आंटी जी, कितनी अच्छी हैं आप। एक तो मैंने आपको रास्ता बताया, ऊपर से आप मुझे ही आंटी कह रही हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ जो आपको रास्ता बताया आप उसको आंटी नहीं कहते? तो ये किस किताब में लिखा हुआ कि जो आपको रास्ता बताया आप उसको आंटी बोलो? आपने रास्ता देखे, मैंने आपको देखा ही आपको आंटी। इतनी कोई बच्ची तो हो नहीं है, छोटी सी तो नहीं है ना, कि मेरी और आपकी इसमें इतना डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, थोड़ा ही होगा। देखे मैं आपसे, आप ही कह सकती हो या वैसे नाम ले सकती हो, चलो नाम नहीं पता तो आप ही तो कह ही सकती हो। चलो मैंने गुनाह कर दिया आपको आंटी कह के, आप आंटी वाला पार्क कहाँ है? एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप, कहाँ से आ रही हैं? लाइब्रेरी से आ रही हैं। आपको पता है मैं बहुत खुशी क्योंकि मैं झूले लूंगी, लेकिन ना एक मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि मैं कब से सड़कों पे घूमी जा रही हूँ लेकिन मुझे पार्क ही नहीं मिल रहा। आप मुझे बता सकती हैं झूलों वाला पार्क किधर है? झूले होंगे? कौन कौन से झूले होंगे? चले कहाँ को है मुझे बताती चले दोबारा। बड़ा लंबा रास्ता है, आप चलेंगे मेरे साथ? चले चले, थैंक यू सो मच आंटी, झूले लूंगी। पार्क का रास्ता आपने बताया तो आप ही का शुक्रिया अदा करूंगी ना आंटी जी। लग रही है आपको, क्या लगता है ऐसे डंडी जैसा जिस्म लेके घूमेंगे तो कोई आपको लड़की समझेगा? अपना जिस्म देखा, अपना भी क्या डंडी जैसा ही है। शुक्र है आपने ये तो कहा, मैंने हल्का किया क्योंकि आपने तो बहुत ज्यादा किया आंटी जी। अपनी ना हद में रहो, समझ आइए ना। एक तो मैंने तुम्हें रास्ता बताया, ऊपर से बदतमीजी कर रही हो। वॉशरूम ही नहीं मिल रहा, मैं अपने वॉशरूम ढूंढ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, बात सुने, वो ना मैं मुझे इतना देर सुन सो आवा, मैं कब से कंट्रोल करके बैठी हूँ, मैं यहाँ बात आपको बता रही हूँ। आपने आप मुझे ना वॉशरूम का रास्ता बता दें, साथ में वॉशरूम ही नहीं है मुझे लगता है। आगे से कहाँ जाके? राइट जाके वहाँ से लेफ्ट। राइट से कैसे लेफ्ट हो सकती हूँ मैं? अच्छा पहले राइट जाना है फिर राइट से आगे जाके लेफ्ट होना है। थैंक यू सो मच आंटी। बात सुने, मैंने रास्ता आप ही से पूछा है ना? हाँ। तो आंटी भी फिर आप ही को बोला होगा। मैं तुम्हें किसी एंगल से आंटी लग रही? आप मुझे ये पूछे कि मैं किस एंगल से आंटी नहीं लग रही, आप तो हर एंगल से आंटी लग रही हैं। अब मैं आपको एंगल बताने बैठी तो ऐसे तो रात हो जाएगी ना। बताओ जरा अपने एंगल। आप आंटी हैं तो आंटी बोलूंगी ना, अब एंगल क्यों बताऊं? एक्चुअली मैं आंटी, मैं नहीं आंटी, तुम हो। आंटी मैं हूं। सैयब कहां चला गया? सैयब को मैंने कहा था कि ना जाओ क्रिकेट खेलने, अब कहां चला गया क्रिकेट का? बात सुने, मेरा भाई ना यहां पे क्रिकेट खेलने आया, बदतमीज जाहिल ना, तो पता नहीं कहां मर गया जाके, क्रिकेट खेल रहा था, अभी तक ढूंढ रही हूं, मिली ना क्रिकेट का, नहीं मिला, मुझे बताएंगे कहां पे है वो? सीधा जाके ना वहां से राइट होंगी, आ जाएगा ग्राउंड पक्की बात है, वहीं पे खड़ा है ना ग्राउंड। चलिए थैंक यू सो मच अंकल, दो है ना अंकल। ग्राउंड का रास्ता आपने बताया। अंकल किसको कहा है? अंकल किसको? ये क्या जंबो बोतल जैसा मुंह लेकर आओगे तो मैं आपको भाई कहूंगी? अंकल हो तो अंकल ही कहूंगी ना। कहाँ से क्या मतलब, अंकल ही कहा है मैंने, क्या हो गया आपको? तुमसे मैं छोटा होऊंगा एज में। ये क्या कुल्फी के साथ तीला फी लेकर घूम रहे हो तो मैं आपको क्या अंकल ही कहूंगी? पीला ही है और क्या। बात सुने, अब मेरा टाइम ना वेस्ट करें, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। ना वेस्ट करें, अंकल किसको कह रही हो? अंकल ही कहा है, लड़ने क्यों बैठ गए? अंकल ही कहा ना मैंने, अंकल क्यों कहा?
अंकल क्यों कहा है वैसे भी क्रिकेट कर रहे हैं, आपसे लड़ना नहीं चाहती, आप अंकल हैं। चल लड़की है छोड़ी यार, मैं आपको आंटी कहूं तो फिर क्या दो, क्या खुशी हो जाएगी आपको, खुशी मिल जाएगी। बात क्या है अंकल, नहीं आगे से कहना किसी को भी। मैंने आपको आंटी इसलिए कहा क्योंकि आप आंटी लग रही थी, अब मैंने कोई गुनाह तो करनी थी आपको। मैं आंटी तो नहीं लग रही लेकिन मुझे तुम जरूर आंटी लग रही हो। मेरी जुबान आंटी हो जैसे, मैं क्या करूँ, शक्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों जैसी। फिर जुबान का भी इलाज होता है, वो भी कर दूं मैं तुम्हारा। आप ना मेरा एक आप पकड़ के मुझे ऑपरेशन थिएटर में लाके मेरा चीरा फाड़ा कर दे। और तो करूंगी मैं तुम्हारे साथ ना, एक तो तुम्हें समझ ही नहीं आती। छोड़ो मुझे, मैं लेट हो, छोड़ो है क्या, है ना, मैं ना लेट हूं, छोड़ो, मैं लेट हो रही हूं, मुझे जाने दे, मेरे मामा मुझे डांटते हैं। लेट हो रहा है तो ऐसे काम करती हो, पागल लड़की ना हो तो चलो यहां से। मैंने क्या कह दिया, मेरे हाथ में रोड़ दिया, छोटी सी कलाई है, मेरी स्कार्फ सारा ढीला कर दिया, मेरी पागल लड़की सी ना हो तो। फ्रॉक पहन के समझती हो कि तुम कच्ची कलाई हो, अगर मैंने आंटी कह दिया तो क्या हो गया। और तुम ये पैंट शर्ट पहन के ये स्कार्फ बांध के बच्चों की तरह बच्ची बनी हुई हो यहाँ पे है। मैं बच्ची हूँ, उम्र देखिए तुमने, मुझे बातें कर रही हो, तुमसे तो छोटी होंगी मैं। बात सुने, तुम आंटी और मुझे बातें कर रही हो। बात सुने, माफ कर दे मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आपने इस बात की माफी, एक बदतमीजी कर रही हो, और ऊपर से ही तुम्हें ये सिखाया तुम्हारे घर वालों। मेरे घर वालों पे ना जाए, मैं आपको कह तो रही हूँ कि आप आंटी हैं, आंटी हैं। तुम्हारे घर वाले जिन्हें तुम्हें यहाँ छोड़ा हुआ आंटी आंटियाँ बनाने लगे। अच्छा मेरी बात सुने, आप तो ज्यादा हाइपर हो रही है, मैं तुम्हें मारूंगी, जाओ यहाँ से दफा। अच्छा बस छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा मेरी बात सुने, मैं जाएगी, मेरी बात सुने, आगे से हंस रही हो, बदतमीजी कर रही हो, हंस रही हो, मजाक बना रही हो, पागल हो। सॉरी बहन, मेरी बात सुनो, मैंने दूर हमारा कैमरा 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 खिचक खिचक कैमरा, ये भी तुम्हारा कोई ड्रामा होगा है ना। अच्छा कैमरा तो देख लो, वो ना हमारा कैमरा लगा हुआ है और हम एक फनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ प्रैंक कर रही थी। ये प्रैंक था आंटी वाला प्रैंक ये प्रैंक था, अगर आपकी परमिशन है तो हम आपकी वीडियो यूज कर लें। कर लो, चलिए थैंक यू सो मच, झूले लेने चलते हैं। चलो मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं किस एंगल से आंटी लग रही हूं। मेरी बात सुने, आप मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकती, छोड़े मुझे, मैं आपको आंटी लग रही हूं, मुझे ये बताओ ना, बताए तो जा रही ऊपर से बदतमीजी कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती बात आंटी बोलते हुए। बात सुने, आंटी बोला मैंने आपको, अंदर जमीन के अंदर गाड़ दिया। आंटी बोल रही है तुम्हें, मैं कहां से आंटी लग रही हूं। आंटी ही है, आप क्यों ऐसे कर रही हैं। मैं आंटी नहीं हूँ, मेकअप तुमने 10 किलो का मुँह पे लगाया हुआ। तो आपने कौन सा किलो लगाया, आपने भी तो 50 किलो का लगाया ही हुआ ना। इतना 50 किलो का मेकअप मैं उठा नहीं सकती, तुम्हारे जैसी लड़की जब उठा सकते, तुम क्या समझ रही हो, पैंट शर्ट पहन के तुम लड़की लग रही हो। सो आपने भी तो वही पहना है आंटी जी। अच्छा लेकिन एटलीस्ट मेरी और तुम्हारी ड्रेसिंग में फर्क तो है ना। अच्छा ठीक है, ड्रेसिंग को क्यों लेके बैठ गए, माफ कर दे मुझे, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके, इधर आए, मैं आपको चीज बता रही हूँ कि वो सामने हमारा कैमरा लगा हुआ, मैं आपके साथ प्रैंक कर रही थी। हाँ और आपने तो मुझे मदोल छोड़ा है, अभी मैं थोड़ी देर और बात करती तो आपने तो मैं अच्छा चले सो सॉरी, आपकी परमिशन हो तो हम आपकी वीडियो यूज कर लें। चलिए थैंक यू सो मच, वॉशरूम अब जाऊंगी मैं। अच्छा आंटी, आंटी जी, डॉक्टर आंटी मेरी बात सुन। यार तुम फिर आ गई हो, क्या मसला क्या तुम्हारे साथ, मुझे तो समझ नहीं आ। अच्छा बस क्या थप्पड़ खा लोगी अब मेरे से बड़ी जोर का, आगे मेरे बाजू में रोड के चल, खा ही ना लेना तुम। अच्छा मेरे से, अच्छा दिमाग का खराब, दिमाग नहीं करके रख दिया। अच्छा डॉक्टर है आपके दिमाग को क्या होगा मेरे पास। वो देखे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा खिंच खिंच खिंच, फोटो नहीं जिसे खींचते उसे वीडियो भी बनती है, आपको नहीं ना पता। अच्छा मैं क्या करूँ उसका। अच्छा हम प्रैंक कर रहे थे आपके साथ, प्रैंक आंटी कॉलिंग प्रैंक। तो बार डॉक्टरों के साथ भी तुम लोग प्रैंक करना शुरू कर दिया। मैं निम्रा अली में कुछ भी कर सकती हूँ, तो अगर आपकी परमिशन है तो हम आपकी वीडियो यूज कर लें। किस चैनल पे आएगी ये आएगी क्रेजी कॉमेडी पे। अच्छा चलो कर लो, चले थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुने, मैंने आपको अंकल ही कहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं, फजूल लड़ने वाली बात है, क्या कर लोगे अंकल, क्या दिया अब क्या करोगे अंकल, बट मैं वापस तो लेने से रही। अच्छा बात सुने, हाइपर होए जा रहे हैं कब से, बात सुने मेरी। ए, अच्छा सुन तो ले, वो हमारा कैमरा लगा हुआ है, कैमरा समझते हैं, इसमें वीडियो भी बनती है, तस्वीर भी खींची जाती है, ये वो लगा हुआ है इतना, तो हम ना फनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक समझते हैं, प्रैंक मजाक 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 कर रहे थे, मजाक। तो आप ये अपलोड करेंगे? हाँ अपलोड करूंगी, क्रेजी कॉमेडी पे आए हैं, क्रेजी कॉमेडी पे करूंगी, आप लोगों ने देखनी है। ठीक है चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि मैंने लोगों को कहा आंटी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो हम आप लोगों से एम करते हैं कि आप हमें देंगे 30,000 लाइक, और हमारी मोर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो क्या करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।